गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल आरपी जेंडर सही में तो साक्षी है चलो ठीक है तो मैं पीरस भाई चाय जो कि दोपहर होने वाली है 12 बजने में सिर्फ 9 मिनट है उठे हुए हमें काफ़ी देर हो गई है और आज का प्लान क्या आज का प्लान कुछ नहीं है खास बस यही है कि आज हम बनाएंगे बल्क में केक बस कुछ सामान है जो कि आ रहा है रास्ते में ड्राई फ्रूट्स वो आ जाए उसके बाद हम मतलब मैं स्टार्ट करूँगा मैंने ऑनलाइन मंगाया है बाहर तो जा नहीं सकते जा भी सकते हैं तो मन नहीं कर रहा था मेरा कि मैक्स तक तो जा ही सकते हैं सामान लेने तो मैं अक्सर ना फ्लिपकार्ट से मंगा लेता हूँ क्विक पे क्विक से क्विक सर्विस होती है वहाँ पे 90 मिनट्स या फिर अगले दिन तक आ जाता है आज आ जाएगा और फिर हम शुरू करेंगे बनाना तब तक मैंने सोचा कि मैं अपना जो काम है वो निपटा लूँ जो कि आज का है पूरे दिन का आज हम लंच कर रहे हैं गोभी के पराठे के साथ चाय और यहाँ काम भी शुरू है अपना साथ के साथ कुछ भी कर लो सर्दियों में आप डाइट नहीं कर सकते ठीक है ये तो मान लिया मैंने मतलब दिवाली के बाद से जो मेरा डाइट का शेड्यूल टूटा वो सिर्फ टूटा है वो कभी जुड़ा नहीं है तो चल रहा है अभी चल रहे तो कल मेरा मन में आया मैंने कहा भाई टेंशन न ले मजे कर मतलब वैसे वाले भी नहीं बिल्कुल बट मजे करो जो भी कर रहे हो उसके अंदर आपका वो नहीं आना चाहिए ना गिल्ट वाला पार्ट नहीं आना चाहिए इंजॉय करो उसको वी लव फूड दैट्स व्हाई वी ईट हमें पसंद नहीं होता तो हमारी भी अच्छी फिजिक होती क्यों भाई खाना वाना खाना तो खाने पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं ओके गाइस तो अपना व्लॉग भी रेडी हो चुका और आज का काम भी पूरा हो गया तो अब हम चलते हैं आप आज के टास्क को पूरा करने के लिए आज का टास्क बिग बॉस द्वारा दिया गया है बिग बॉस मैं ही हूँ यहाँ का सो जो आज का टास्क है वो है केक बनाना तो मैंने पतीले निकाल लिया है बड़ा वाला हांडा जिसको अभी धोएंगे गैस चूल्हा बाहर निकालेंगे बड़ा वाला और उस पर लगाएंगे अपनी भट्टी उससे पहले बनाना है केक का बैटर जिसको मिक्स करने के लिए चाहिए ताकत वो ताकत लगाने के लिए मेरे पास वो विस्कर नहीं है मशीन वाला तो मैं जुगाड़ करके उसको अभी बनाऊंगा कैसे वो हम देखते हैं तो फेंटने का जो मैंने जुगाड़ तो वो रेडी कर लिया मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ उससे पहले मैं दिखा रहा हूँ ब्राउन शुगर जो रेडी हो चुकी है जिससे कि केक में कलर आने वाला है वो ये रही एकदम ब्लैक ब्राउन शुगर कहते हैं वैसे वो जाती है डार्क ब्राउन एकदम इससे कलर आएगा सो ड्राई फ्रूट भी कट चुके हैं सब कुछ रेडी है बस अभी मेरे को अंडे जब तक मैं तोड़ के रख लेता हूँ मैदा और चीनी आ रहा है फिर हम बनाना शुरू करते हैं ये है गरम मसाला जो कि केक में डलेगा हाँ जी केक में गरम मसाला डलता है एक अच्छा फ्लेवर आता है सो ये सब पिसेगा अभी One eternity later. तो मैंने जो जुगाड़ लगाया था फेंटने वाला व्हिस्क करने वाला वो था वो मैंने ड्रिल मशीन में ये विस्कर लगाने की कोशिश करी पर उसकी स्पीड ही कुछ ज़्यादा होती है ड्रिल मशीन की जिसकी वजह से ये वाइब्रेट कर रही थी पूरी ड्रिल मशीन हाथ में और ये जो इसके ये होते हैं ना ये फूल बन गए थे समझ जाओ मतलब ये ऐसे इतनी तेज घूम रहा था कि ये सीधे की जगह नीचे लेट गए थे और फूल बन गए थे पूरे मैंने कहा हमारी फुलवारी बन जाए वाइट वाइट सारा हो जाए इससे बढ़िया हाथ से कर लेंगे तो अभी देखते हैं हाथ से थोड़ी सी जान लगेगी और शुरू करते हैं अभी बस बीवी आज बीमार है क्या हो गया भाई तेरे को हम ठीक होने लगे तो तेरे को कुछ होने लगता है बॉडी पेन हो रहा है हल्का सा इसको जुकाम खांसी सा लग रहा है फीवरिश भी हो रहा था अभी दवाई दी इसको सब कुछ हरा रखा है ओह तो यहाँ पे शुरू कर चुका हूँ मैं और मैंने डाल दिया यहाँ पे बटर और घी दोनों एक साथ है अब इसमें मैं डालूंगा ये शुगर पाउडर शुगर उसके बाद जाएंगे सारे अंडे जो कि वहाँ रखे हैं फिर उसको अच्छे से फेट फेट के फिर डालेंगे हम इसमें मैदा सो दिस इज घी चीनी अंडा एंड बटर ये सब कुछ जल चुका है अभी इसमें अगर मैं इसका मीठा मीठा पैनकेक बनाना चाहूँ कितना सेट बन जाएगा या कुछ और बन जाएगा पता नहीं क्या बनेगा बट जो भी है ये अभी बेसिक है अभी इसमें डलेगा मैदा अब इसमें मैदा भी डाल दिया है मैंने बहुत हिलाने में दिक्कत हो रही है छोटा सा विस्क है मशीन मशीन हो तो बढ़िया से हो जाए तो गाइस मेरा हाथ बना विस्क
जब से ट्राई कर रहे हैं ड्रिल मशीन से कुछ कर ले, मैंने हाथ ही डाल दिया। बिना हाथ डाले कुछ होता है वैसे? होता है हाथ से? कितना बढ़िया हो रहा है। Hear the sound. फटक फटक। ये है गाइस अपने केक की जान, जो कि है ड्रम में भीगे हुए सारे ड्राई फ्रूट्स। अब इसमें अंदर डालेंगे ड्राई फ्रूट्स ही होते हैं। कैसे होते हैं? वो नट्स होते हैं, ये ड्राई फ्रूट्स होते हैं। नहीं, ड्राई फ्रूट्स, जो फ्रूट्स ड्राई हो जाए उन्हें ड्राई फ्रूट्स कहते हैं। वो तो समझे, वो ऑलरेडी नट्स ड्राई ही होते हैं। तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स अब भीग चुके हैं, मतलब इस बार बहुत अच्छे से भीगे, कम से कम 20-25 दिन तो हो ही गए, महीना हो गया। सो अब ये मैं डाल रहा हूँ इसमें ताकि अच्छे से मिक्सिंग हो सके, फिर इसका आधा निकलेगा, क्योंकि आज आधा ही बन रहा है, सिर्फ 1 किलो बन रहा है। सोचो 1 किलो में आधा ही है, और ये इतना सही है, ये तो बहुत बड़ा है। ये मैदा इतना सही है, ड्राई फ्रूट भर जाने है, बहुत मज़ा आएगा। ये है आखिरी स्टेप गाइस, इसमें सारे ड्राई फ्रूट सब कुछ डल चुका है, अब बस अब ये जाएगा उसके अंदर टिन्स के अंदर, और ये होगा बेक। मज़ा आने वाला है, अब मैं पूरी रात लगाऊंगा मुझे लग रहा है इसको बेक करने में, और रात ही रात में गैस ना चली इतनी तो होगी अभी। और ये अब चल रही है फिलिंग इनमें सही में दाल मखनी सी लग रही है। ये है अपना ओवन जो कि रेडी हो रहा है, बस गैस चला करके नमक डालना है। नमक इतना है और ठीक होगा नमक हमें। पिज्जा केक बेकिंग वाला आइटम करना है ना, वो ऐसे कर दे। पिज्जा से याद आ गया, पिज्जा की हट्टी तो तैयार है, करेंगे जल्दी ही पिज्जा भी। पहले नमक लगाया और उसको होने देंगे हम प्री हीट थोड़ी देर। नमक पता है क्यों लगाते हैं? तुझसे पूछ रहा हूँ बीबी, बात करने का मन नहीं, बात करने का मन नहीं। हम अगर हम इसलिए लगाते ताकि जो हीट है वो इवनली चारों तरफ में। मैं भी यही बोलने वाली थी। हाँ, यही बोलने वाली थी, बोली भी मैंने। A few moments later, ये फेल हो गया हमारा। क्यों? क्योंकि इसके बीच में लगाने के लिए कुछ फ्लैट नहीं था, जिसकी वजह से मेरे को ये हटाना पड़ा। छोटे में ही बनाएंगे अब हम, यहाँ पर ही छोटे में लगा दिए, अभी एक एक दो दो करके ऐसे ही बनेगा। एक और पतीला यहाँ चढ़ाऊंगा, फिर यहाँ पे दो या तीन तो एक साथ बन ही पाएंगे। तो पहला हम केक रखते हैं अपना, ये जो कि है वॉलनट केक, मैंने अलग से निकाला था। सो लेट्स टेक इट इनसाइड। ये लग गया है अंदर, अब देते हैं ढक। तो अभी तक तो इट्स राइजिंग परफेक्टली, बाकी जब ये बन जाएगा तो कटने के बाद पता चलेगा। हमारा पहला केक हो चुका है रेडी, ये वॉलनट केक है पता है। यस आई एम कमिंग, मेरा खाने पे इंतजार हो रहा है। चलो ये केक बन गया, एक में लगा के आता हूँ जब तक, जल्दी। तो जी जो एक कह रहा है जली को आग कहते हैं और जली को राख कहते हैं, ये बुझी को राख कहते हैं। फिर एक कह रही है जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। तूने बुझी को राख कहते हैं? पता नहीं क्या कहते हैं, अब बता दे किसका डायलॉग है ये? शत्रुघ्न सिन्हा। नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिसकी कॉल देखते ही दारू उतर जाए उसे बाप कहते हैं। मजा ना आया, मजा नहीं आया, मतलब ऐसा नहीं है कि वो मजा नहीं आया। पंखा देखो। हेलो जी, मेरा होममेड ओवन, चार केक एक साथ लगा दिए मैंने इसमें। नीचे वाले पहले पकेंगे, फिर ऊपर वाले धीमे धीमे पकेंगे, तो इनकी साइड चेंज करनी होगी बस। और यहाँ पे सिंगल वाला तो चल ही रहा है सही से। तो अभी तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं घर में ऐसा केक बना पाऊँगा इतना बढ़िया। इट्स लुकिंग कि जैसे अभी बेकरी से मैं बनवा के लाया हूँ, इतना बढ़िया दिख रहा है बस इसको खाने की देर, ठंडे होते हैं उसके बाद उसको ट्राई करेंगे कि ये बने कैसे। कल वाला अच्छा बना था, कल से बेटर बनाने की कोशिश थी, आज की और थोड़ा सा बढ़िया सा बने। तो हाउ इज द टेस्ट बेबी? ये सब व्लॉग में नहीं जाएगा, ठीक से रिव्यू दो है ना। मेरे को भी बिलीव नहीं हो रहा, मतलब किस तरीके से बहुत अच्छा है जो लेयर है ना वो। मैं सोच रहा था कि नीचे बैठ जाएगा पूरा ड्राई फ्रूट, बट आ गया ऊपर तक। कैसा है?
ले बस मस्त, मुझे लगा नहीं था इतना अच्छा फ्लफी सा हो जाएगा, है ना? बिल्कुल बहुत मस्त बना। चलो मैंने टेस्ट नहीं करा, मैं टेस्ट करता हूँ। आज केक बनाने में बड़ा मज़ा आया और कुछ नया सीखने को मिला, हमेशा कुछ ना कुछ नया करने को मिलता है और मैं सीखता रहता हूँ कुछ ना कुछ कुकिंग में स्पेशली। सो केक भी घर पे बना ही लिए, मैं सोच रहा था पता नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे, बट बन गए और अभी भी कुछ चढ़े हुए हैं, कुछ बन चुके हैं, कुछ चढ़ने को तैयार हैं। सो आज के व्लॉग में इतना ही है, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ ये वाली वीडियो केक मैंने कैसे बनाया, जैसे इसमें कोई रेसिपी नहीं बताई थी, बट फिर भी यू कैन शेयर इट एंड सब्सक्राइब इफ यू आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम। ये सब काम जरूर करिएगा, कुछ काम हम करते हैं कुछ काम आप करेंगे तभी हम आगे जाके बढ़ेंगे और हम आपको मौका देंगे कि हम आपको केक खिला सके, ठीक है? इसी के साथ इस व्लॉग को ये बैन करते हैं, सी यू इन आवर नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय, कीप प्रेइंग एंड सपोर्टिंग, स्पेशली साक्षी के लिए आप सब प्रेयर करते रहें क्योंकि इट्स हर 8th वन एंड वेरी सून वी आर गोइंग टू हैव निको विद अस, यस। सो दुआओं में याद रखें हमें जरूर से, खासतौर से मेरी बीवी को और हमारे आने वाली। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, योर लव इज ऑल वी नीड, बाय बाय।